एवरीवन, माय नेम इज़ नमन एंड वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो के बारे में। वीवो एक ऐसी कंपनी है जो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए हमेशा से मशहूर है। वीवो ने पिछले साल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का इन्वेंशन किया, जिसको अब सारी कंपनी अडॉप्ट करती जा रही है। OnePlus 6T ही एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया है जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। आगे भी बहुत सी कंपनियाँ हैं, जैसे एप्पल भी है, इस फीचर को लेकर आने वाली है। उसी की तरह वीवो ने एक और धमाल मचा दिया है, एक ऐसा डिवाइस लेकर आए हैं जो फ्यूचरिस्टिक फ़ोन को एग्जाम्पल करता है कि उस जैसे फ़ोन फ्यूचर में आने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप उसके बारे में बताऊं, मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूं। तो इतिहास में इस टाइप के फ़ोन हुआ करते थे जो जिसमें सिर्फ बटन्स ही बटन्स हुआ करते थे। स्क्रीन छोटी होती थी, उससे ज़्यादा बटन्स हुआ करते थे, जो सिर्फ एक कनेक्टिविटी के लिए काम आया करते थे। उसके बाद कुछ सालों बाद इन्वेंशन बहुत आगे स्तर पर बढ़ा, उसके लिए इस टाइप के फ़ोन आए जिनको एंड्रॉयड मिला, और जो इसका टच वगैरह था वो बहुत स्मूथ हुआ, स्क्रीन बहुत बड़ी होने लगी। लेकिन फिर भी ये उस टाइम के लिए बहुत इनोवेटिव फ़ोन माने जाते थे। पिछले साल की बात करते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ एक फुल बॉडी रेशो फ़ोन इन्वेंट हुए, जिसमें स्क्रीन का जो साइज़ होता है वो इसकी तरह होता है। लाइक नॉच होना बहुत ज़रूरी हो गया था, मैंडेटरी हो गया था पहले के पिछले साल के फ़ोन में, और स्क्रीन का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब वीवो ने कुछ और ही कर दिया है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखें, मैं आपको वीवो एपेक्स के बारे में सब कुछ बताऊँगा। उससे पहले वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब बटन, उसको दबाइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो रोज़ रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहूं, और मुझे आपके सपोर्ट की खूब ज़रूरत है। तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और उसके बगल में बेल आइकन भी है वो भी दबाइए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं वीवो एपेक्स के बारे में। बीजिंग में कल एक कॉन्फ्रेंस के अंदर वीवो ने एक ऐसे फ़ोन को डिस्प्ले किया है, अनाउंस किया है ऐसे फ़ोन के बारे में जो फ्यूचर को बिलोंग करता है। ये फ़ोन विदाउट एनी बटन के साथ आने वाला है, जिसमें एक भी बटन नहीं होगा पूरे फ़ोन में। अब आप जिस तरीके से आप शॉक्ड हो रहे हैं, उसी तरह से मैं शॉक्ड हूँ कि बिना बटन के फ़ोन कैसे काम करेगा। इसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे उपाय ढूंढ के रखे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में धीरे धीरे बताता रहूँगा कि ऐसा क्या है उस फ़ोन में। तो पहली बात ये सारा काम प्रेशराइज स्क्वीजिंग के थ्रू करता है। जैसे अभी हमने देखा था जब गूगल पिक्सल 2 आया था, उसमें अगर गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करना था तो हम फ़ोन को स्क्वीज करते थे, दबाते थे, जिसके कारण गूगल असिस्टेंट लॉन्च होता था। उसी की तरह ये पूरा फ़ोन स्क्वीजिंग पे चलेगा, उसके डिफरेंट जेस्चर्स होंगे दबाने के। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर लॉन्ग दबाएंगे तो बैक होगा, शॉर्ट दबाएंगे तो रिसेंट ऐप्स खुलेंगे। इस तरीके से दबाने के जेस्चर्स होंगे, जिसके कारण ये फ़ोन चलने वाला है। तो पूरी मेटल पे प्रेशराइज एक मेटल बनाया है, जिससे पूरा फ़ोन कंट्रोल होगा, बटन का काम करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी पोर्ट नहीं है, वो ऑक्स पोर्ट भी हो सकता है और टाइप सी पोर्ट भी है, दोनों पोर्ट इसके अंदर नहीं है। इवन स्पीकर ग्रिल भी नहीं दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि इस फ़ोन को चार्ज कैसे करेंगे, तो वीवो ने टाइप सी को हटाकर मैग्नेटिक चार्जिंग लेकर आए हैं, जिसके थ्रू वो चार्ज होगा। मैग्नेट के थ्रू हम इस फ़ोन पे जो उनका चार्जर होगा वो मैग्नेटिक होगा, जिसको टच करते से ही फ़ोन चार्ज होने लगेगा। बहुत ज़्यादा फ्यूचर दिखा रहा है वीवो एकदम से। और अब बहुत से ऐसे फीचर्स, छोटे मोटे फीचर्स हैं जो इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको मेन फीचर्स बता देता हूँ। इसमें जो इसकी साउंड की, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें साउंड कैसे आएगा, क्योंकि पूरी स्क्रीन आप देख सकते हैं, पूरी स्क्रीन ही है ना, इसमें फ्रंट कैमरा दिख रहा है ना स्पीकर ग्रिल दिख रहा है, तो साउंड की तो कोई बात ही नहीं। जैसे MI का जो मिक्स है वो ऑलरेडी लेकर आ चुका है साउंड, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड, तो उसी की तरह इसमें भी वाइब्रेशन के थ्रू हम किसी की आवाज़ अपने फ़ोन पे सुन सकते हैं। और इसमें एक नया फीचर जो आया है वो आया है फुल डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी क्या होता है, वीवो ने जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर निकाला है वो कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे निकाला है, जैसे OnePlus का भी है, कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे हम दबाने पे वो लॉक स्क्रीन ओपन होती है। बट इसमें स्क्रीन जो है वो पूरी इन डिस्प्ले रहेगी, आप कहीं पे भी टैप करिए फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर इसमें निकल के आता है।
अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। तो एक मेटल से बना हुआ ये फ़ोन है, ऐसा लगता है कि पूरा मेटल से इसकी बॉडी बनी हुई है, क्योंकि इसमें कोई भी बटन नहीं है। बहुत ही प्रीमियम फ़ोन लगता है ये। और कैमरे का भी जो ग्रिल है वो भी हटा दिए, क्योंकि इनका मेन मोटिव ही यही था कि इस फ़ोन को बहुत पतला बनाए और बहुत ही बेजल लेस, किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए, उस टाइप का फ़ोन बनाए। अब इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सब कुछ बेस्ट होने वाला है। स्नैपड्रैगन 855 इसके अंदर आने वाला है, जो लेटेस्ट चिप है, जो वन प्लस 7 में भी आने वाली है। तो स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर इसके अंदर होगा विथ 12GB ऑफ रैम। 12GB का रैम होने वाला है इसके अंदर। और इसके अंदर जो इसका हार्ड ड्राइव होगा इसका, वो नॉन एक्सपेंडेबल रहेगा, बट 256GB की इसकी इंटरनल स्टोरेज आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा है 256GB, लेकिन हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पोर्ट, कोई भी सिम ट्रे वगैरह लगाने का इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं दी गई है। सिम कैसे काम करेगी वो तो सिर्फ अभी वीवो ही बता सकता है जब वो लॉन्च होगा। उसके बाद इसमें जो मेन फीचर आने वाला है वो है 5G सपोर्ट। यस, स्नैपड्रैगन 855 जैसे कि हम जानते हैं 5G को सपोर्ट करता है, तो ये जो वीवो का एपेक्स फ़ोन होने वाला है वो 5G सपोर्ट करने वाला है। और ये फ़ोन जो फिज़िकली लॉन्च होने वाला है वो MWC 2019 में होने वाला है। MWC एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये हमें यूज़र्स को यूज़ करके और हैंड्स ऑन इसका होने वाला है। जो तो आज बीजिंग ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है इस फ़ोन को, MWC 2019 में ये फ़ोन को हम फाइनली देख सकते हैं। वीवो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये फ़ोन बताता है कि फ़ोन्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है आगे वाले टाइम में। तो दैट्स इट, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस टाइप की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ विजिट टू आर सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन सब की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय, पीस।